नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। केवल विजातीय तत्व को निकालने की बात और विजातीय तत्व का प्रवेश नए सिरे से न हो, उसका एक उपाय लिखा है कि यंत्रों का प्रयोग किया, उखल और मुखल का प्रयोग किया, उसकी निंदा करता हूं। बड़ी अजीब सी बात लगती है, मुझे लगता है आज के यांत्रिक युग में इस कृति को पढ़ने वाले के मन पर क्या प्रतिक्रिया हो, क्या समझेगा। एक ओर मनुष्य जहां महान यंत्रों का आविष्कार कर रहा है, निर्माण कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, इतने भयंकर कल कारखाने चल रहे हैं, उस युग में ये बात सामने आए कि मैंने उखल का प्रयोग किया है तो निंदा करता हूं, मूसल का प्रयोग किया है तो निंदा करता हूं, कोल्हू चलाया है तो निंदा करता हूं, चक्की चलाई है तो निंदा करता हूं। बात समझ में ही नहीं आती। तब तो ठीक था कि जयाचार्य भी उन प्राकृतिक चिकित्साओं की कोटि में चले जाते हैं कि जो प्रकृति दे वही खाओ, वृक्ष दे फल खाओ, और पत्तियां दे जो पत्तियां खाओ, बस उन्हीं में संतुष्ट रहो। उस जमाने में ले जाना चाहते हैं जो आदिवासियों का जमाना था, यौगलिकों का जमाना था। आज का विकसित मनुष्य इतनी सभ्यता, इतनी प्रगति और इतने संस्कृति के विकास के बाद क्या फिर लौटेगा? क्या फिर आदिवासी बनेगा? क्या फिर जंगली बनेगा? क्या केवल फल फूलों पर अपना जीवन चलाएगा? क्या सब यंत्रों को बंद कर देगा, जहां की उखल की भी जरूरत नहीं, मूसल की भी जरूरत नहीं? उखल मूसल की जरूरत तो तब पड़ती है कि आदमी कुछ पकाता है, पकाकर खाता है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सक बंधु कहते हैं पकाने की जरूरत नहीं, कच्चा अनाज खाओ, अनाज भी खाओ तो कच्चा खाओ, कच्ची चीजें खाओ, पकाओ मत, दूध भी कच्चा पियो, जो मिले जैसा मिले उसी रूप में खाओ, अग्नि का प्रयोग मत करो। तब तो ठीक बात है। अगर एक प्राकृतिक चिकित्सक कहे कि उखल का प्रयोग, मूसल का प्रयोग, चक्की का प्रयोग सब व्यर्थ है, तो वह व्यर्थता की भाषा समझ में आती है, और उसी भाषा के संदर्भ में जयाचार्य की भाषा भी समझ में आती है कि मैंने किसी भी जन्म में अगर उखल मूसल चक्की का प्रयोग किया हो तो उसकी निंदा करता। किंतु आज के हमारी सभ्यता के युग में रहने वाले समाज की भाषा इसे सहन भी नहीं कर सकती। क्या अविकसित समाज का चित्रण है? अविकसित समाज जब कोई विकास नहीं हुआ उस समय की बात है, कैसे हो? सचमुच बड़ी अस्पष्ट बात लगती, तर्क से तो समझ में भी नहीं आए। और आप सही मानिए कि यह तर्क का विषय भी नहीं, तर्क से समझ में नहीं आएगी। किंतु अहिंसा और प्रकृति पर जब विचार करते तो लगता है कि सच्चाई तो यही है, कर सके या न कर सके एक अलग प्रश्न है, सच्चाई को तो स्वीकार नहीं कर सकेंगे। स्पष्ट बात है कि श्लेष्माहीन आहार करने वाला जितना स्वस्थ रह सकता है, श्लेष्मा युक्त आहार करने वाला उतना स्वस्थ नहीं रह सकता। प्रोटीन न खाने वाला जितना स्वस्थ रह सकता है, प्रोटीन खाने वाला उतना स्वस्थ नहीं रह सकता। डॉक्टरों का तो सिद्धांत बन गया, अगर प्रोटीन न मिले तो मनुष्य का विकास भी कैसे हो? वे प्रोटीनहीन आहार की बात सोच ही नहीं सकते। किंतु प्रोटीन कितनी बीमारियों को पैदा करता है,
इस बात को भी जानते हैं। एक युग आया कि प्रोटीन पर अत्यधिक बल दिया गया, अब नहीं दिया जा रहा, वह भी बदलता जा रहा है। सच्चाई को सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा। आज का मनुष्य भयभीत है, अणुवस्त्रों से, जहरीली गैसों से और भयानक प्रक्षेपास्त्रों से। क्यों? उसके मन में आशंका है कि कब दो चार पांच व्यक्तियों के मस्तिष्क में पागलपन छा जाए और सबका प्राण पखेरू समाप्त हो जाए, उड़ जाए। पता नहीं ईश्वर कब सृष्टि का प्रलय करेगा, किंतु आज तो हमारी दुनिया में दो चार पांच ईश्वर ऐसे बैठे हैं कि जब चाहे तब सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं। कोई सूचना मिली, गलत सूचना, कंप्यूटर ने दे दी गलत। आदमी भी गलत सूचना देता है तो कभी कभी कंप्यूटर भी गलत सूचना दे देता है। कंप्यूटर ने गलत सूचना दी कि शत्रु के विमान प्रक्षेपास्त्र आ रहे हैं और तत्काल अमेरिकी वायुयान अणुवस्त्रों को लिए हुए आकाश में मंडराने लगे। खतरा थोड़े में टल गया, फिर पता चल गया कि यह कंप्यूटर की गलती से हुआ। अगर नहीं चलता तो न जाने क्या परिणाम हो जाता। आज तो यह स्थिति बनी है। अब दोनों ऐसे छोर हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हैं दोनों बिल्कुल, एक यंत्र के नास्तित्व का और एक यंत्र के प्रबल अस्तित्व का। द्वैताचार्य जैसे व्यक्ति सुझाते हैं आराधना के लिए अपने इन यांत्रिक प्रयोगों की निंदा करो। मुझे नहीं पता अणुबम का आविष्कार करने वाला और प्रयोग करने वाला क्या निंदा करे। सभी निंदा के स्वर में कहेगा कि मैंने अणुवस्त्रों का आविष्कार किया हो तो निंदा करता हूं, मिच्छामि दुक्कड़म। क्या कभी इस भाषा में सोचेगा कि मैंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया हो तो निंदा करता हूं, उनका प्रयोग किया हो तो निंदा करता हूं। ये निंदा की बात कहां तक बैठेगी समझ में नहीं आता। इस भय का मूल बीज, इस सारे आतंक का मूल कारण है यंत्र का प्रयोग, फिर चाहे वह ऊखल का हो, मूसल का हो, कोल्हू का हो, किसी का हो। छेद छेद होता है, रास्ता रास्ता होता है। एक बार छोटी पगडंडी बन जाए तो बड़ा रास्ता भी बन सकता है। एक बार छोटा छेद भी बन जाए तो समूचे बांध को तोड़ देने वाला रास्ता भी बन सकता है, छेद भी बन सकता है। प्रश्न छोटे और बड़े का नहीं है, प्रश्न है बीज का। एक बार वैसा बीज बो दिया गया तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता। आज कोई भी व्यक्ति इस बात में समर्थ नहीं है कि अणुवस्त्रों को रोक दिया जाए। कितनी संधियां होती हैं, कितने उपक्रम चलते हैं कि अणुवस्त्रों पर नियंत्रण किया जाए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन लोगों के पास अणुवस्त्र हैं वे नियमन करना चाहते हैं कि दूसरे राष्ट्र अणुवस्त्र न बनाए। बड़ी आश्चर्य की बात है, वे ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि बस जिनके पास हैं उन्हीं के पास रहें, दूसरे न बनाए। यह भी कैसे संभव होगा? एक बार जो चल पड़ता है उसे रोका नहीं जा सकता। हम मूल बात पर ध्यान दें, बात बड़ी अटपटी सी लगती है किंतु सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब तक प्रारंभ को नहीं रोका जाएगा, उपेक्षा की जाएगी, तो फिर उसके विकास को भी नहीं रोका जा सकेगा।